तो ये एक और है ब्लू पाइन रिजॉर्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल मेन लैंसडाउन में ही है, मॉल रोड से थोड़ा सा पहले। तो इसे देखते हैं, ये देखो फॉगी फॉगी हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, और ये सब है इनके पास फैसिलिटीज़। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। और ये देखो आज कितना फॉगी फॉगी हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा हो रहा है वेदर, मज़ेदार। तो ये ऐसे एंट्री है इसकी। तो मैं इनसे पूरा पता करके आती हूँ क्या टैरिफ है, कैसे कैसे है सब बता। तो एंट्री करने से पहले ये इधर ऐसे पिक्चर्स बनी हुई हैं एनिमल्स की, पूरा इन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है यहाँ के जंगलों का। तो और ऐसे है, ये देखो यहाँ पे भी शेर बनाया हुआ है और लिखा हुआ है ब्लू पाइन। चलो तो देखते हैं इसको। और ये देखो आप तो नज़ारा देखो, ठीक है। हाँ इसको देख लेते हैं, ये ऐसे ट्रिप एडवाइज़र की चॉइस 2020 की है इसकी, देखते हैं। चलो देखते हैं। हेलो, ये मुझे पता करना था कि क्या यहाँ का टैरिफ है और कोई रूम आप दिखा सकते हैं तो। अभी के लिए नहीं, नहीं एक्चुअली मुझे अपने व्यूअर्स को बताना है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ये तो मैडम टैरिफ से लगा है आपका 7450 7450 डीलक्स का है ना, एंड टैक्सेस एक्स्ट्रा है। तो वो तो डायनेमिक होता है ना, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है सीजन और नॉन सीजन, वीकेंड हॉलीडेज है ना। तो जनरली कैसे शुरू होता है, जैसे नॉन सीजन में कितना हो जाएगा? नॉन सीजन में मैडम आपका 5000 के लगभग रहता है, ब्रेकफास्ट के साथ टैक्स इंक्लूड होंगे, इंक्लूड इंक्लूडिंग टैक्स ना। तो मुझे कोई एक रूम दिखा देंगे आप? बैठो। हाँ जी, मैं एक बार ये देख लेती हूँ बाहर का जब तक। और ये इनका रेस्टोरेंट है, देखो ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से ये बाहर का व्यू है। ये देखो आप, ये देखो, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये भी लिखा हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ है क्या क्या है इनके पास, स्पोर्ट्स रूम, बिलियर्ड्स, कॉन्फ्रेंस रूम, एडवेंचर पार्क, ये सब कुछ है, स्पा, जिम, बैंक्वेट हॉल, तो सब कुछ है। चलिए इनका रूम देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये आर्मी म्यूजियम, गढ़वाली मेस, ये सब दिखा रखा है। तो ये लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी करवाते हैं यहाँ पे। बाहर का देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। तो देखते हैं रूम इनका। तो ये इनका डीलक्स रूम दिखा रहे हैं, इसको देख लेते हैं। ओके ओके, इसको खोलो। हाँ बालकनी, तो ये इधर बालकनी से ये ऐसे ये है नज़ारा बालकनी से। ओ देखो, फूल लगे हुए हैं कितने अच्छे। और यहाँ से आप पूरा एक लुक देख लीजिए रूम की। ओके, वॉशरूम भी, ये देख वॉशरूम भी देख रहे थे, लाइट सुना। अच्छा वॉशरूम तो ठीक है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो ये इनका फैमिली सुइट दिखा रहे हैं अभी।
नीचे रोड दिख रही है आपको। चलो, ये चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है, इसके बैल्कनी भी मतलब बेसिकली ग्लास हाउस जैसा बेडरूम है ये। निकलते हैं बाहर, बैठने का एरिया इनका इधर ऊपर। आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ गुड इज द होटल, हाउ गुड इज द ब्लू पाइन रिजॉर्ट, आई मीन व्हाट आर द सर्विसेज लाइक? जस्ट चेक्ड इन। यू जस्ट चेक्ड इन? वन आवर बैक। लुक्स गुड। ओके, वी सीन मल्टीपल ऑप्शंस। Okay. Even this is their branch hotel. And we went to see some other hotels also. So there is no much availability. Hmm. So this is, seems to be good option. Okay. Okay. You're planning to stay? No. Thank you so much. I'll just tell you. तो ये ब्लू पाइन रिजॉर्ट के साथ ही, इनफैक्ट उससे थोड़ा पहले ही एल्पाइन भी है, एल्पाइन होटल भी है। तो इसमें एल्प्स कैफ़े भी है। तो और इसकी इनकी लोकेशन क्या है, एल्पाइन की और पाइन रिजॉर्ट की, तो इन दोनों की लोकेशन ये है कि जैसे आप जाते हैं ये लैंसडाउन में मेन में जाते हैं जब आप, उससे थोड़ा सा पहले करीब एक किलोमीटर पहले ये दोनों रिजॉर्ट पड़ते हैं। तो ये है लोकेशन, मैं ज़रा जाके देख के आती हूँ अंदर। ये बाहर ऐसे बनाया हुआ है और ये इस साइड में कैफे है। चलो देख लेते हैं इसको। ओके, तो सेम ये ब्लू पाइन रिजॉर्ट और एल्पाइन सेम है ये दोनों? हाँ, दोनों सेम है। अच्छा, तो लोकेशन मतलब, तो इसका मुझे कोई रूम दिखाएंगे यहाँ पे? रूम बन रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, नहीं कोई भी एक रूम है क्या मेरे को व्यूअर्स को दिखाना है? ये इनका कैफ़े है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, सिंपलिस्टिक लुक है बिल्कुल। भैया ये लोकेशन क्या बोलते हैं इसको, क्या जगह है ये? लैंसडाउन देरिया खाल। अच्छा ठीक है, कोई रूम भैया? रूम अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा वैसे ही आप बता दो, मैं ब्लू पाइन तो देख ही आई हूँ, तो आप ऐसे ऐसे बता दो कि क्या है टैरिफ जैसे डीलक्स रूम का, बेस कैटेगरी का? हमारे पास दो ही कैटेगरी के रूम है। हाँ, प्लेटिनम और प्रीमियम। अच्छा, तो फर्स्ट बेडी वाले हैं पूरे रूम, फ्रंट वाले भी हैं सब। अच्छा, हाँ फ्रंट फेसिंग है ना। हाँ, तो आजकल तो सिंस द लेटर डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट में है ना, तो कितना है आजकल? 35 तक। अच्छा, 3500 में मिल रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो मैंने आपको बोला तो था कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर गया कि इनकी एक कॉटेज तो मैं देख ही लूँ। दो इनके रेट्स काफ़ी हाई बता रहे हैं ये, 12,000 तो हाई एंड प्रॉपर्टी लग रही है, तो मेरा मन कर गया कि देखूँ तो ज़रा ये 12,000 में कॉटेज कैसी है। तो चलो देख के आते हैं। इसका जो लोकेशन है बहुत अच्छा है, इनका ये रेस्टोरेंट भी है, तो इनकी बड़ी अच्छी कॉटेजेस दिख रही हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसको, इसका जो, हेलो भैया, भैया ये इसका जो आप मुझे बताएंगे जैसे टैरिफ वगैरह क्या है, चेक इन और चेकआउट, तो ये है इसका रूम टैरिफ क्या है? इसमें 12,000 है। 12,000 कॉटेज का है, वन नाइट का 12,000 है। तो डिस्काउंटेड रेट्स कैसे कब होते हैं? डिस्काउंट नहीं है, 11-12 हज़ार में तो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, 15,000 भी हो जाता है। अच्छा, तो क्यों है ऐसा इसका, ये इतना, इसके क्या है इतना ज़्यादा क्यों है रेट? बिल्ले है यार। अच्छा, वो मार्टेंस हैं, बिल्ले हैं, तो उनको देखने के लिए। अच्छा, कार्ड दे दो ज़रा अपना, और एक कॉटेज दिखाओगे क्या? एक दिखा दो,
तो ये ऐसे है और यहाँ से जाके इनकी कॉटेजेस आती है। मैं आपको एक सैम्पल कॉटेज दिखा दूंगी इनकी, तो ज़रा देखते हैं वो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही आया है कि 12,000 जो टैरिफ है उसमें कैसी कैसी अकोमोडेशन है, वो मैं देखना चाहती हूँ। ये इन्होंने बता ही दिया कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिल्ले आते हैं, वो मार्टिन्स जो होते हैं ना क्यूट क्यूट से, तो उसकी वजह से इन्होंने हाई रखा हुआ है अपना रेट। तो चलिए देख के आते हैं। अच्छा कार्ड ला रहे हो, कार्ड दे दिया, ये कार्ड मैं डाल दूँगी, ये देख लीजिए। वैसे आप इन्फॉर्मेशन इसमें मैं डाल भी दूँगी। तो अब ये देखो यहाँ ऐसे बना हुआ है, और ये नीचे ये है, और ये ब्लू कलर की इन्होंने चेयर्स लगा रखी हैं यहाँ पे, यहीं पे बैल्कनी, यहाँ पे लॉन है, सेपरेट बैल्कनी सेपरेट लॉन्स हैं सबके लिए, और वो व्यू है। और चलो देखते हैं कि अंदर से है क्या, ये कैसी है कॉटेज। तो ये ओके, ये सिटिंग रूम है इनका, ओके अच्छा, और यहाँ से व्यू ये है। बाहर का ये है, ये सिटिंग रूम आ गया। अच्छा तो ये पूरा किचनेट है यहाँ पे ना, अच्छा तो पूरा किचन है ये यहाँ पे ना, हाँ किचन दिया हुआ है यहाँ पे है ना पूरा, फ्रिज के साथ में, ओके प्लेस प्लेस है, आप आकर के अपनी कुकिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो होम अवे फ्रॉम होम है ये, और रूम देख लेते हैं, ओके तो ये है रूम इनका बेसिकली, वार्डरोब के साथ में, ये ड्रेसिंग टेबल आ गई यहाँ पे, और वॉशरूम भी देख लेते हैं। ये है वॉशरूम, वॉशरूम सिंपल है, ओके तो ये है। और ऊपर क्या है भैया, ऊपर भी सेम है, तो मतलब पूरा मिलता है, एक जो बुक करते हैं पूरा मिलता है उसको, अच्छा पूरा घर मिलता है, ये ड्यूप्लेक्स, अच्छा इसीलिए इसका 12,000 है, ओके। ऊपर ये सीधे की भी है, ये सीधे ऊपर एसी भी लगा हुआ है, अच्छा 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 अब मैं समझी कि क्यों इतना महंगा दे रहे हैं ये, और बता रहे हैं कि बिल्ले आते हैं यहाँ पे रोज ही, वो छोटे छोटे बिल्ले आते हैं, मार्टिन्स बोलते हैं जिनको, ओके अच्छा ये है ऐसे, ऑफिस चेयर भी है, वाईफाई है, ये है बैठने के लिए बेड आ गया, और यहाँ से बैल्कनी है भैया, ये बैल्कनी है, हाँ ये टेरेस है इनका प्राइवेट, ओके वो है ऐसे बना हुआ, वो रही मेन रोड, ऊपर मेन रोड से बिल्कुल अप्रोचेबल है ये, ओके और यहाँ से ये, तो बेसिकली ये होम अवे फ्रॉम होम है, प्रॉपर होम है डुप्लेक्स, इसीलिए इसके रेट्स हैं, ठीक है ओके। ये और बना रहे नीचे, अभी और भी बन जाएंगे इनके, ठीक है ये तो ठीक है। वार्डरोब्स भी काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। बाथरूम ऊपर, ये जो डुप्लेक्स है इसमें ऊपर तो है ही, पूरा टेरेस है विद झूला, और नीचे भी यहाँ पे बालकनी है, प्रॉपर बालकनी बनी हुई है अलग से, और यहाँ पे ये थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी रखा हुआ है यहाँ पे टेबल चेयर। पर ये इनको इतना ले रहे हैं किराया, तो ये इनको ना चेयर तो दूसरी अच्छी रखनी चाहिए, चेयर और टेबल यहाँ पे। एनीवे कोई बात नहीं, जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ जैसा है। सीढ़ियाँ उतर के आप जाओ, प्राइवेट लॉन है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आप 2-3 दिन के लिए अपने घर से निकल करके एक दूसरे घर में कंफर्टेबली रहो और अच्छे वातावरण में, अच्छे एटमॉस्फेयर में, तो आप आके रह सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए 12,000 बुरा नहीं है। तो ये बहुत सारी कॉटेजेस हैं इनके पास, सेम ड्यूप्लेक्स में है, तो इनका रेस्टोरेंट ऐसे नीचे जा कर के है, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए,
और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो सतपुली वाली रोड है, उसी रोड पर लैंसडाउन वेकेशन होम्स होटल एंड रेस्टोरेंट भी है। इसके सारी इन्फॉर्मेशन देखो आपको मैं दे रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना, इसको ऑनलाइन चेक कर लेना। मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रही हूँ, ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर जब जाते हैं उसी रोड पर आता है।